तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। और गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग रेडी हो चुके हैं रूम पे और भाई लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैगी बनाई है। तो यहाँ से आ जाओ दोस्तों, आप नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर से दोस्तों निकलते हैं। आज कहाँ पे जाने हैं दोस्तों, वो है जो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ से जो नाश्ता करके हम लोग निकलने वाले हैं, तो आप लोग व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। साथ ही दोस्तों जब तक नाश्ता करते हैं तब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। है दोस्तों हमारे लिए नाश्ता, और ये दोनों भाई लोग नाश्ता कर रहे हैं, खत्म करने वाले हैं। हम भी इसको खत्म करते हैं फिर निकलते हैं। हम लोग कर रहे हैं बस के लिए वेट, और यहाँ से आने वाली है सिटी बस, फिर है जो हम लोग जाने वाले हैं आज वो नहीं। तो गाइज हम चल रहे हैं घंटाघर रोड पे, जहाँ से है जो मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए निकलेंगे। दोस्तों ये है जोधपुर का घंटाघर, जो कि दोस्तों आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा। ये है जोधपुर का घंटाघर। अभी मार्केट है जो ओपन हुई नहीं है, सभी जो भी शॉप वगैरह है सब क्लोज है। और यहाँ से है जो हम लोग अभी फोर्ट पे जाने वाले हैं, उससे पहले ये है जो घंटाघर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। एक घड़ी लगी हुई है बड़ी सी। हम निकल चुके हैं जोधपुर फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। ये है उसका मुख्य द्वार, यहाँ से प्रवेश करेंगे और फिर यहाँ से देखेंगे आप, जैसे कि घंटाघर, जस्ट घंटाघर के आगे वाला रास्ता ही है, इधर घंटाघर है और यहाँ से है जो दोस्तों किले पे जाने के लिए। तो हम लोग है जो वहाँ तक जाएंगे, वो किला ऊपर आप लोग देख सकते हैं, उधर जाना है हम लोगों को। यहाँ से ये है सदर मार्केट, दूर की चढ़ाई है जो शुरू हो चुकी है, और देख रहे हैं काफ़ी मुश्किल हो रहा है ऊपर चढ़ना, थोड़ी बहुत गर्मी भी बढ़ गई है, पसीने आ रहे हैं। और अभी तो देख सकते हैं काफ़ी ऊपर है, वहाँ तक जाना है, धीरे धीरे चढ़ते हैं क्या होता है। तो गाइस हमारा जो स्टैंड वगैरह था वो हो गया है जब्त, और यहाँ से अब अपन है जो किले के अंदर एंटर करेंगे, एंटर गेट है। तो अभी फाइनली पहुँच चुके हैं जोधपुर किले में, और यहाँ से है जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ने का काम हो रहा है। और आप लोग जैसे कि दो द्वार देखे हैं और तीसरा द्वार भी हुई है जो जस्ट आने वाला है। इस तरीके से टोटल 6-7 गेट हुआ करते थे इस जोधपुर किले में। और अभी पूरा ऊपर से जाके आप लोगों को पूरा व्यू बताएंगे किस तरीके का, जो ऊपर जाने के बाद जो जोधपुर का पूरा सिटी वगैरह दिखाई देता है आप लोगों को। तो गाइस व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। शानदार डिज़ाइन वगैरह आप लोग देख सकते हैं, इसकी किस तरीके की आर्ट रही होगी। यहाँ पे आप लोग इसको बारीकी से देखेंगे तो बहुत शानदार आर्ट वगैरह है। और यहाँ है जो आप लोग देख सकते हैं, ये है म्यूजियम। Thank you.
हैं दोस्तों पूरा म्यूजियम और पालकी से लेकर सारी चीज़ें इसमें मौजूद है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी। बहुत ही शानदार देखने के लिए है। शस्त्र खाना जिसमें सारे जितने भी राजे महाराजाओं के शस्त्र हुआ करते थे वो यहाँ हैं, और ये तलवार बनाने की प्रक्रिया से लेके सारे जो भी शस्त्र वस्त्र थे वो यहाँ रखे हुए हैं इस शस्त्र खाना में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राजा महाराजा टाइम में जो भी शस्त्र यूज हुआ करते थे वो सारे के सारे इस संग्रहालय में यहाँ पे ला के रखे गए हैं। देख सकते हैं एक से एक बढ़कर शस्त्र, सभी जितने भी उस समय यूज होते थे वो सारे शस्त्र इधर रखे हुए हैं। और इधर है जो सारी तलवार वगैरह, ढाल और तलवार अलग अलग डिज़ाइन की और अलग अलग जगहों की, और यहाँ पे सारा जो युद्ध में पहन के जाते थे वो सारा सामान यहाँ पे देख सकते हैं। ढाल लेकर हाथों में पहनने से लेकर सिर पे पहनने सारी चीज़ें, और यहाँ पे ये तलवारें रखी हुई है। और इसके अलावा इधर आप लोग देखेंगे तो इधर भी जो राजा महाराजा तलवारें यूज में लिया करते थे वो तलवारें रखी हुई है। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की जर्नी? और अभी है जो दोस्तों कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी है जो चल रहे हैं और अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू ब्लॉग है जो दोस्तों देखते रहिए। ये दोस्तों सैनिक वगैरह राजा महाराजाओं जब युद्ध वगैरह होते थे उस समय भोजन वगैरह तैयार करने के लिए बड़े बड़े कड़ाव जिनका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता था। और इधर आगे छोटा सा गार्डन है दोस्तों। यहाँ पे सारी तोप वगैरह रखी हुई है जो कि अलग अलग किलों से लाई हुई है। जो अपने आसपास राजस्थान के सभी किले थे उनमें से लगभग सभी किलों की जो तोप वगैरह वो सब यहाँ लाके इस संग्रहालय में रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, और इधर भी देखेंगे आप लोग, ये ऊपर सारी तोपें इधर पड़ी है जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्स में जो भी अधूरे किले थे उनमें से जो इकट्ठा करके यहाँ पे है जो संग्रहालय में ला के रखा गया है। तो दोस्तों अब है जो हम जा रहे हैं वापस जोधपुर का किला, जो ऊपर ऊपर वाला पूरा हिस्सा था वो यहाँ से होता है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ से अपन लोग एंटर हुए थे और अब यहाँ से वापस है जो एग्जिट होने वाले हैं। तो और भी क्या कुछ है कंटिन्यू देखते रहिए। ये दोस्तों पूरे जोधपुर किले की डिज़ाइन है, इस तरीके का जोधपुर किला है। यहाँ से एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद देख सकते हैं आप लोग पूरा अच्छी तरीके से डिज़ाइन बनी हुई है।